हेलो, एमएस एक्सेल में हम पेस्ट स्पेशल को समझेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को समझेंगे। तो पेस्ट स्पेशल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डेटा है। तो इस डेटा में हमने ये यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे पेपर वन, पेपर टू और इसका यहाँ पे टोटल किया हुआ है। तो ये जो टोटल है, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया, ये फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को समझेंगे। तो पेस्ट स्पेशल को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये डेटा, इस सारा जितना भी डेटा है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट बंद पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे तो ये पेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे हम कॉपी करने के लिए या तो कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी। तो कॉपी पे क्लिक करते ही ये पेस्ट यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, तो मोर बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेस्ट स्पेशल नीचे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल की डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स यहाँ से नहीं ओपन करना चाहते, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल एल्ट और बी प्रेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब पेस्ट स्पेशल को हम कीबोर्ड से ओपन करेंगे, तो इसके लिए कंट्रोल एल्ट और बी प्रेस करेंगे। प्रेस करते हमारे पास ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत से यहाँ पे ऑप्शन है। पहला है आल का है, उसके बाद फार्मूलाज का है, उसके बाद वैल्यूज़ का है, उसके बाद फॉर्मेट्स का है, उसके बाद कमेंट का है, वैलिडेशन का है, और ये सभी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन को करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आल का है। तो आल में क्या होता है, अगर हम आल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जितना भी डेटा है वो एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा जैसा ये ऊपर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो जैसा डेटा यहाँ पे था वैसा ही ये सेम नीचे कॉपी हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट आल का ऑप्शन था पेस्ट स्पेशल में। इसके बाद इसको अंडू करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। ये प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल के दूसरे ऑप्शन को करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया। इसको कहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे नीचे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हम सेकेंड ये फार्मूलाज यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो फार्मूला टोटल में यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया हुआ है, ये फार्मूला भी साथ में कॉपी हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये जो फॉर्मेटिंग थी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है, ये फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, लेकिन ये जो फार्मूला है ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। बाकी ये जो फॉर्मेटिंग थी यहाँ पे कॉपी होके नहीं आई, बाकी ये जितना भी फार्मूला यहाँ पे हमने जो जो फार्मूले लगाए हुए हैं वो फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल पे फार्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम 109 यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फार्मूला बार, ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया है। ये देखो आगे वैल्यूज़ है, ये और ये फार्मूला है। तो फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे केवल फार्मूला ही कॉपी होगा। तो ये हो गया। इसके बाद इसको अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से। ये अंडू किया, अंडू करने के बाद फिर अगले ऑप्शन को करेंगे। तो वैसे ही हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद कहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे गए, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वैल्यूज़ का है, यहाँ पे क्लिक किया।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की हुई है, जैसे ये कलर में किया हुआ है, ना तो ये फॉर्मेटिंग आएगी और ना ही जो यहाँ पे टोटल में ये जो फार्मूला लगाया हुआ है, ना ही साथ में ये फार्मूला आएगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, ओके पे वैल्यूज़ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ना तो इसमें जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी, ना तो फॉर्मेटिंग आई और ना ही यहाँ पे फार्मूला आएगा। ये देखो यहाँ पे टोटल पे हमने 109 यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो 109 ही आएगा, यहाँ पे फार्मूला नहीं आएगा। फिर अगले ऑप्शन को यहाँ पे करेंगे, इसको अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड से अंडू किया। अंडू करने के बाद अगले ऑप्शन को करने के लिए फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल को ओपन करेंगे, कंट्रोल एल्ट बी प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जितना भी फॉर्मेट है, ये जो ऊपर फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, ये सेम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये जितना डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये देखो फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्मेट यहाँ पे बनाया था, ये सारा फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो गया है और ये जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा है, वो डेटा यहाँ पे नहीं आया। तो हम यहाँ पे ये देखो, ये कलर में था, नेम इस कलर में थे, ये पेपर इस कलर में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये देखो, ये 55 ये सेंटर में लिखा हुआ है, ये 54 सेंटर में लिखा हुआ है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो ये भी यहाँ पे सेंटर में आएगा। यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे बोल्ड में आया हुआ है। सपोज़ करो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, सपोज़ करो हमने यहाँ पे लिखा 50, तो 50 लिखा तो ये 50 ये जो है ये सेंटर में आएगा, ना तो लेफ्ट साइड आएगा ना राइट साइड आएगा, क्योंकि तो सेम फॉर्मेटिंग जो ऊपर हमने की हुई है, सेम फॉर्मेटिंग ये नीचे कॉपी हो गई है। ये देखो सेकंड में भी अगर हम लिखेंगे तो ये भी सेंटर में आएगा, ये देखो 55 ये भी सेंटर में आएगा। अगर टोटल में यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो ये बोल्ड में आएगा, ये देखो ये बोल्ड में है तो ये भी यहाँ पे बोल्ड में आएगा। ये देखो कुछ भी लिखा यहाँ पे हमने 110 ये लिखा तो ये बोल्ड में आएगा। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग ऊपर डेटा की थी, ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ये अंडू किया, इसके बाद अगले ऑप्शन को करेंगे। तो अगले ऑप्शन को करने के लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद कहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ इस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, मोर बटन, पेस्ट के मोर बटन पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और जो अगला है फॉर्मेट के बाद कमेंट्स का है कि कमेंट कहाँ कहाँ पे कमेंट लगाए हुए हैं, ये जो कमेंट है यही कॉपी होके नीचे आए, बाकी जितना भी ये डेटा है ये कॉपी होके ना आए। जो जो कमेंट हमने लगाए हुए हैं, तो कमेंट को कैसे पता लगाना है कि कमेंट लगाया हुआ है, ये जो रेड में आया हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो जितना भी डेटा था, ये डेटा यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये जो कमेंट है यहाँ पे कॉपी होके आ गए। ये देखो कैसे चेक करने हैं, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो कमेंट लगा हुआ है इसके लिए, ये अगले के लिए कमेंट लगा हुआ है, ये अगले के लिए कमेंट लगा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो कमेंट है ये कॉपी होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो पेस्ट स्पेशल में हम कमेंट को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद इसको अंडू किया, अंडू करने के बाद अगला जो ऑप्शन है उसको करेंगे। कमेंट के बाद है वैलिडेशन, पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वैलिडेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे डेटा टैब पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम भरेंगे होल नंबर, यहाँ पे क्लिक किया, बिट पिन इज, यहाँ पे मिनिमम नंबर यहाँ पे सपोज करो हमने भरा यहाँ पे 40, ये मिनिमम नंबर यहाँ पे भरा। इसके बाद मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 80 भरा, 80 ये हमने वैलिडेशन यहाँ पे, और इसके बाद ओके पे क्लिक किया तो ये वैलिडेशन यहाँ पे हमने लगा दी।
जैसे जब हम इस सारे टेबल को कॉपी करेंगे और जब हम यहाँ पे 40 से नीचे नंबर लिखेंगे तो उसको भी यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, और 80 से ऊपर लिखेंगे उसको भी यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी करना है, और फिर यहाँ पे पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, और इसके बाद वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ऊपर जो है ये फर्स्ट वाली, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे पेपर वन है, पेपर टू है, ये टोटल है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, इसमें इस सेल में हम वैल्यू लिखेंगे। जैसे अगर हम 40 से नीचे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगी, और 80 से ऊपर लिखेंगे वो भी यहाँ पे नहीं आएगी, ना इसमें ना इसमें। तो इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे 35 ये लिखा और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद सपोज करो यहाँ पे हमने 45 लिखा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो एंटर प्रेस किया ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम 95 लिखेंगे, यहाँ पे 95 लिखा तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 80 तक ही यहाँ पे आएंगे जो भी नंबर है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये देखो ये नंबर भी यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम 79 ये लिखेंगे तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 39 तो ये नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ये देखो एंटर प्रेस किया ये नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे 50 लिखेंगे तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो 50 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 101 तो ये नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, एंटर प्रेस किया ये नंबर भी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 75 तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो। तो इस प्रकार हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में हम अगले ऑप्शंस को दूसरी वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पेस्ट स्पेशल के ऑल ऑप्शन, फार्मूला ऑप्शन, वैल्यूज ऑप्शन, फॉर्मेट्स ऑप्शन, कमेंट्स ऑप्शन और वैलिडेशन ऑप्शंस के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।